हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल मैथ्स मीन्स बाय कमलेश। क्लास 2-10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एनसीईआरटी बुक। इस क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करेंगे। क्लास 10 के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 पार्ट 2 ऑफ एनसीईआरटी बुक, ठीक है। आई होप यू विल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक्स। क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, दो इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें के का वैल्यू फाइंड करना है। किस कंडीशन में? सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। जबकि इक्वेशन का टू इक्वल रूट्स हो, उस कंडीशन में हमको के का वैल्यू फाइंड करना है। इक्वल रूट्स का क्या मतलब? व्हेन डी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल मीन्स जो वास्तविक हो, जिसका वैल्यू पुट करने से इक्वेशन में LHS RHS इक्वल हो जाए, उसको रियल रूट्स कहेंगे। तो ये निकालना है। और दोनों का इक्वल रूट्स हो, दोनों ही बराबर ही रूट्स हो, ये तब होता है जब D इज इक्वल टू जीरो होता है। अब पहले D निकालते हैं दोनों का। तो क्वेश्चन है 2x² + kx + 3 = 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, क्योंकि इसका डिग्री 2 है इस इक्वेशन का, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब है इन द गिवन इक्वेशन, ए मेरा कितना हो गया 2, बी इजकल टू के, सी इजकल टू 3। ए किसको कहते हैं? एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को ए कहते हैं, एक्स के कोफिशियंट को के कहेंगे, और जिसमें कोई भी वेरिएबल्स नहीं हो उसको कांस्टेंट कहते हैं, सिर्फ नंबर होता है, वो 3 है मेरा। अब इसमें निकालेंगे हम क्या? डी निकालेंगे। डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, ठीक है। इसमें इसका वैल्यू डालेंगे, बी है मेरा कितना के, तो हो गया k² - 4, ए है 2, सी है 3, तो ये हो गया कितना k² 4² = 8, 8³² = 24, ये हो गया डी का वैल्यू, ठीक है। अब इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट इन दिस क्वेश्चन गिवेन दैट रूट्स शुड बी इक्वल। इसमें रूट्स क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। दिस हैपेंस व्हेन डी इजकल टू जीरो, ये तब होता है इक्वल जब डी इजकल टू जीरो होता है। अब डी का वैल्यू यहाँ क्या है मेरा? k² - 24 = 0। डी निकाल चुके हैं k² - 24, तो अब इसमें क्या हो गया? k² = 24, ये माइनस है, इधर प्लस हो गया, k = ये क्या हो जाएगा ±√/24, ये चला जाएगा √/24, प्लस माइनस करने से 24 होगा, ठीक है। के डी के जगह पर डाल दिया k² - 24, जो पहले हम यहाँ निकाल चुके हैं, इसलिए जीरो है ये। अब k² = 24 इस साइड गया, तो माइनस है प्लस हो गया। अब इसका स्क्वायर हटा दिया, तो इसको रूट कर दिया, रूट करेंगे तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू होगा, ठीक है। अब इसके जगह पर लिख सकते हैं k = ये कितना हो जाता है? ये हो जाएगा 2√6 प्लस माइनस 2√6, ये कैसे हो गया 2√6 प्लस माइनस? तो जैसे ये √24 है, इसको हम लिख सकते हैं = 4 × 6 लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, स्क्वायर रूट से हट गया तो 2 हो गया, और ये 6 रूट के अंदर ही रह गया, तो ये हो गया, इसी को यहाँ हमने डाल दिया,
ठीक है, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है, के एक्स एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इजकल टू जीरो। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, के यहाँ हो गया एक्स इंटू एक्स, माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स इजकल टू जीरो। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब हियर ए इक्वल टू के एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है, बी इजकल टू माइनस टू के, माइनस टू के एक्स निकल गया, और सी इक्वल टू सिक्स हो गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं, डी इजकल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये हो गया b है मेरा कितना माइनस टू के है, ये इसका स्क्वायर कर दिया माइनस फोर ए के जगह पर k, c के जगह पर सिक्स। ठीक है, ये हो गया कितना फोर हो गया, माइनस टू इंटू माइनस टू फोर हो गया, प्लस हो गया k स्क्वायर, ये हो गया माइनस कितना ट्वेंटी फोर के, फोर इंटू सिक्स ट्वेंटी फोर के। ठीक है, अब फिर वही आएगा क्वेश्चन में, जो ये हमको क्या होना चाहिए, टू इक्वल्स होना चाहिए। तो इन क्वेश्चन गिवन दैट रूट्स शुड बी इक्वल, रूट शुड बी क्या होना चाहिए, इन क्वेश्चन गिवन दैट रूट शुड बी इक्वल, इट इज पॉसिबल व्हेन डी इजकल टू जीरो। ये तभी हो सकता है जब डी क्या है, जीरो है। तो अब यहाँ डी का वैल्यू डाल देंगे, यहाँ क्या है फोर के स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर के इजकल टू जीरो, यहाँ जीरो है तो जीरो डाल दिया। ठीक है, अब इसमें क्या देखते हैं, फोर दोनों में कॉमन ले सकते हैं, के दोनों में कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा फोर कॉमन ले लेंगे, के भी कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो गया फोर निकल गया, यहाँ के हो गया और यहाँ के निकल गया, फोर निकल गया तो सिक्स हो गया इजकल टू जीरो। ठीक है, अब इफ फोर के इजकल टू जीरो देन के इजकल टू जीरो बाई फोर इजकल टू जीरो, तब के का वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना, ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल नॉट एग्जिस्ट। जब अगर k को हम जीरो मान लेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं, क्यों नहीं रहेगा, तो अगर k को हम जीरो मान देंगे तो k जीरो इंटू एक्स क्या हो जाएगा, जीरो, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जीरो हो जाएगा, ओनली सिक्स बच जाएगा, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं, इसलिए विच इज़ नॉट पॉसिबल, k इजकल टू जीरो विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल नॉट एग्जिस्ट, तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह ही नहीं पाएगा। अब अगेन इफ के माइनस सिक्स इजकल टू जीरो देन के इजकल टू सिक्स, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया। ठीक है, सो इफ द इक्वेशन हैज, सो इफ द इक्वेशन हैज टू रूट्स, अगर दो रूट्स होता है इक्वेशन का जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, देन k इजकल टू सिक्स एंड सिक्स ओनली,
तब क्या होगा, दोनों रूट 6 और 6 ही होगा। ठीक है, अगर मेरा ये सेशन पसंद लगा हो तो अगेन आई रिक्वेस्ट प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक्स।